बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमारे मुल्क शाम में हमें बरकत दे, हमारे यमन में हमें बरकत दे। सहाबा ने अर्ज़ किया, और हमारे नजद में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे, हमें हमारे यमन में बरकत दे। सहाबा ने अर्ज़ की, और हमारे नजद में? मेरा गुमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा फरमाया, वहाँ ज़लज़ले और फितने हैं, और वहाँ शैतान का सींग तलू होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ़ इसकी शान के मुताबिक बयान की। फिर दज्जाल का जिक्र फरमाया कि मैं तुम्हें इससे डराता हूँ, और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इससे ना डराया हो। अलबत्ता मैं तुम्हें इसके बारे में एक बात बताता हूँ जो किसी ने अपनी कौम को नहीं बताई थी, और वो ये कि वो काना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वालों पर दज्जाल का रोब नहीं पड़ेगा। इस दिन मदीना के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देते होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और मदीना के एक किनारे क़याम करेगा, फिर मदीना 3 मरतबा कांपेगा, और इसके नतीजे में हर काफर और मुनाफिक निकल कर इसकी तरफ चला जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपनी नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया कि इसके साथ पानी और आग होगी, और इसकी आग ठंडा पानी होगी, और पानी आग होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नबी भी मबूस किया गया तो उन्होंने अपनी कौम को काने झूठे से डराया। आगाह रहो कि वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफर लिखा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के रास्ते पर फरिश्ते पहरा देते हैं, ना यहाँ ताउन आ सकती है और ना दज्जाल आ सकता है।